जी हाँ दोस्तों, जितने भी सारे स्टूडेंट लोग देख रहे हैं सेमेस्टर फोर का, जो कि आप लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट था 5 तारीख से, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों का 5 तारीख से एग्जाम स्टार्ट ना हो करके 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया 10/9/2024, जबकि पिछला एग्जाम आपका कब से स्टार्ट था, 10/5/2024 से, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया है और एक रिवाइज प्रोग्राम निकाला गया, यानी कि एक उसको रिवाइज करके आपको जो एग्जाम 5 से स्टार्ट था वो 10 से कर दिया गया, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए खुशखबरी भी हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए बुरी खबर भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग काम वगैरह भी छोड़ करके घर आते हैं, तो बहुत लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम अभी हम कुछ तैयारी नहीं किए, एग्ज़ाम आगे बढ़ा दें, ठीक है। तो आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आपके लिए खुशखबरी या बुरी खबर है ये तो मुझे नहीं पता, बट एग्ज़ाम 5 से जो था वो 10 से कर दिया गया, ठीक है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि अब एडमिट कार्ड का क्या होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, और क्या उसमें पुराना डेट प्रिंट होगा या नया जो ये डेट है वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया विनोद बिहारी महतो कौशलानी यूनिवर्सिटी धनबाद, यहाँ पे सेमेस्टर फोर वालों का जिनका सेशन 22 से 26 है, जो स्टूडेंट लोग एग्जाम दे रहे, ठीक है, 22 से 26, 22 से 25। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग सब कुछ सेम है, 10 से 11 2 से 5 एग्जाम होगा। मेजर पेपर जो आपका 5/9/2024 से था वो 10/9/2024 हो गया। मेजर पेपर 6 यहाँ पे देख सकते हैं, बोटानी केमिस्ट्री जूलॉजी ये सब है आपका। फिर सेकंड सेटिंग में भी आपका मेजर पेपर है, देख सकते हैं क्या आप फर्स्ट सेटिंग में आ रहे हैं या सेकंड सेटिंग में। फिर 11/9/2024 को भी मेजर पेपर है, जिसमें से पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, ज्योग्राफी होगा। वहीं अगर सेकंड सेटिंग की बात करें, हिस्ट्री, ठीक है, साइकोलॉजी, म्यूजिक, सोशोलॉजी ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब चीज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका 12 तारीख से, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पिछला एग्जाम डेट निकाला गया था ना, उसमें से आपको सब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस मिला था, यानी सब्जेक्ट के बीच में आपको बहुत ज़्यादा गैप मिला था, लेकिन इसमें आपको गैप देखने को नहीं मिल रहा है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना कि समय आगे बढ़ा दिया गया, तो तैयारी आपको अभी से ही करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका मेजर पेपर तुरंत स्टार्ट हो जा रहा है 12/9/2024 से, कहीं गैप देखने को ज़्यादा नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर 13 तारीख का भी आपका मेजर पेपर 7 है, 19 तारीख को मेजर पेपर 8 आपका, यहाँ पे आपको गैपिंग मिला हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेजर पेपर 8 में गैपिंग मिला हुआ है, 13 से सीधा 19 ले गया है, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18 यहाँ तक आपका गैपिंग है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कब कब है, ठीक है। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट कीजिए कि हम सर नहीं देखने के लिए जानते हैं, तो मेरा ये सब्जेक्ट है, बता दीजिए, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, जो जो स्टूडेंट लोग देखने के लिए नहीं जानते हैं। नेक्स्ट आपका बीएससी पेपर स्टार्ट हो गया, देखिए 21 से, ठीक है, 21 तारीख को भी 2 सीटिंग में बीएससी पेपर होगा और 23 तारीख को भी बीएससी पेपर होगा, ठीक है। 21-23 यहाँ पे देखिए कोई ज़्यादा गैपिंग नहीं, लेकिन पिछला वाला में बहुत ज़्यादा गैपिंग था, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका जो मिल है, ठीक है, एईसी पेपर वो आपका 24/9/2024 को होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिर AAC 3 आपका 25 को भी है, 24 को भी, 25 को भी, ठीक है। उसके बाद आपका माइनर पेपर 26 को है और माइनर पेपर 27 को, ये पेपर आपका फाइनली 27 तारीख को ख़त्म हो जा रहा है। मतलब समय आपका भले ही आगे बढ़ गया, लेकिन जो ये महीना पूरा ले रहा था पिछला वाला भी एग्ज़ाम, तो आपका ये भी ले रहा है, ठीक है। पिछला वाली भी आपका ख़त्म हो रहा था इसी मंथ में, तो ये भी आपका इसी मंथ में ख़त्म हो रहा है, आगे नहीं ले जाया गया। तो आपको ये नहीं सोचना कि हमको समय मिल गया, समय आपको नहीं मिला है, समय जहाँ तक आपको कम ही मिला एक तरह से सोचिएगा तो, ठीक है। हाँ, लेकिन जो 5 तारीख से स्टार्ट था वो आपको स्टार्ट हो गया 10 तारीख से, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड का, ठीक है। तो देखिए, एडमिट कार्ड जो आपका रिलीज होगा वो न्यू एडमिट कार्ड ही आएगा, उसमें पुराना डेट नहीं रहेगा, न्यू डेट ही रहेगा, और एग्ज़ाम से आपका 5 दिन 6 दिन पहले ही आ जाएगा, ठीक है। आने के आपको 2, 3, 4 तारीख तक 5 तारीख तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 तारीख से स्टार्ट है, तो 5 तारीख से पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।